स्पेशल में बनाने वाले हैं टोब्राकाट, ठीक है। ये एक स्वीट डिश है जिसके लिए हमें इंग्रेडिएंट चाहिए। ये मैंने 1 कप लिया है श्रेड कोकोनट, 1/2 कप अराउंड लिया है मैंने खोया, 1/2 कप अराउंड मेरे पास शुगर है, उससे आधी क्वांटिटी में हम वाटर लेंगे। ये मैंने लिए हैं काजू के कट्स करके, 1 चम्मच अराउंड घी लिया है, इलायची के दाने लिए हैं, और ये हमने येलो कलर फ्लेवर कलर मतलब लुक के लिए कलर लिया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, 1 चम्मच मैंने ऐसे घी ले लिया, प्योर घी है, इसमें ये कोकोनट का बूरा जो है वो हमने ऐड कर दिया। तो माइक्रो मोड में 50 टेम्परेचर पे हम 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। माइक्रो पावर 50 टेम्परेचर 2 मिनट एंड स्टार्ट, ठीक है। ये हमारा 2 मिनट के लिए हो रहा है, हम क्या करेंगे, ये जो मैंने 1/2 कप शुगर लिया है उससे आधी क्वांटिटी में हम पानी लेंगे, दोनों को माइक्रो मोड में 2 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, जिससे हमारा 1 ताल का शुगर सिरप हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम चाशनी बोलते हैं, लाइक इस तरह से जो मैंने बनाकर रेडी करके रखा है। करना क्या है, 1/2 कप अराउंड हमने शुगर लिया है, उससे भी 1/2 कप हम पानी लेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे, माइक्रो मोड के अंदर हम 2 से 3 मिनट के लिए उसको उबाल लेंगे, जिससे उसमें से ऐसे तार जैसा होगा, तो 1 तार जितनी हमें ये चाशनी रेडी करके रखना है। तो ये हमारा एक प्रिपरेशन रेडी करके हमने रखा हुआ है, जो इसको चाशनी बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही हमारा माइक्रो मोड में ये 2 मिनट्स फिनिश होगा, उसमें हम खोया ऐड करेंगे। टेम्परेचर पे 2 मिनट्स के लिए हमने कोकोनट को रोस्ट कर लिया, उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे खोया, ठीक है। खोया को भी हम प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। ये नेचुरली बनता है, नॉर्मली आप इसमें मिल्क में डाल के भी बना सकते हो, बट ये देसी हलवा स्टाइल बनेगा। खोया डालने के बाद अगेन इसको हम 50 टेम्परेचर पर रखेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि क्या होगा, खोया जो है नॉर्मली कोकोनट के अंदर प्रॉपर से मिक्स हो जाएगा। ये हमारी प्रोसीजर है, उसके बाद हम शुगर सिरप डालेंगे और फूड कलर डालेंगे। इसमें हम जो हमने शुगर सिरप रेडी किया है वो ऐड करेंगे और फूड कलर ऐड करेंगे। फूड कलर ऑप्शनल है, आपको फूड कलर नहीं डालना है तो आप प्लेन भी रख सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया। इसमें हम इलायची पाउडर, काजू के टुकड़े, आपको जो पसंद हो आप ड्राई फ्रूट वगैरह डाल सकते हैं। बस ये एकदम से प्रॉपर मिक्स कर लिया, अब इसको प्लेट में दिवाली के लिए एक इंस्टेंट स्वीट भी है, इसके ठंडे होने के बाद पीसेस पड़ जाएंगे, तो आप अच्छे से इसको सिल्वर फॉइल से और इससे डेकोरेट भी कर सकते हैं। हम अभी इसको इस तरह से गार्निश करेंगे। तो ये हमारा कोकोनट का हलवा रेडी।
इसमें पिस्ता भी डाल सकते हो। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ एक इलायची पाउडर और काजू के टुकड़े से गार्निश किया। तो ये हमारा कोकोनट हलवा रेडी। थैंक यू। Panasonic.